मोटी सॉक्स अवॉइड करनी है, उसमें स्मेल ज्यादा आती है। 5 मिनट रखे, समर्स आते आते फेस बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीजी हो जाता है, चिपचिप दिखता है। साथ में एलोवेरा डालना, उसको फ्रीज कर दे। मेरे लिए सस्ती टिकाऊ 2-स्टेप रेमेडी हमेशा काम करती है टैनिंग के लिए। पतली होती है आपकी लिप्स की स्किन और उतनी ही जल्दी वो टैन भी होती है। आर्मपिट्स में से स्मेल आती है, तो ट्रिम योर जंगल एवरी 20-25 डे। Hi guys, welcome back to my channel. This is Kiaran Ejing Rayor. On the formal edit, आज हम बात करेंगे वो summer problems और उनके solution. जब summers आती है तो साथ साथ बहुत problems भी आती है। Skin की बात करें तो acne, tanning, बालों की बात करें, बाल फिजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, कभी कभी splittings बढ़ जाते हैं, बालों में itching हो जाती है, और क्या जब sweating ज़्यादा होती है तो personal problems भी होती है। तो उन चीज़ों का सस्ता टिकाऊ solution जो practical भी रहेगा आपके लिए। So do not skip any second of this video. Watch this video. समर्स आते आते फेस बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीजी हो जाता है, चिपचिप दिखता है। तो उसके लिए करना क्या है, 3-स्टेप सोल्यूशन है। सबसे पहला क्या है, आपको अपना स्किन केयर को फिक्स करना है। दिन में 2 बार एक फेस वॉश यूज करें आफ्टर वर्कआउट और जब भी आपकी स्किन ऑयली हो। और उसके बाद 2 प्रोडक्ट है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिपचिप स्किन के, मॉइस्चराइजर गलत अगर आप यूज करें या सनस्क्रीन गलत। तो जब भी ये 2 चीजें खरीदे, लाइट जेल बेस्ड फॉर्मूला होना चाहिए जो लगाती एब्जॉर्ब हो जाए और नॉन कॉमेडोजेनिक, मतलब जो आपके पोर्स ब्लॉक ना करता हो। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ऑयल बैलेंसिंग हैक होती है जो आपका पीएच लेवल मेंटेन करेगी, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। आपको ट्रे लेनी है, उसके अंदर गुलाब जल एंड साथ में एलोवेरा डालना है, उसको फ्रीज कर देना है। रात को फेस वॉश करके 2 मिनट रब करें एंड देन स्लीप। गट हेल्थ मतलब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बॉडी हीट ज्यादा होगी, ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन, एक्ने, मूड चिड़चिड़ा रहेगा, फेस पे ज्यादा ऑयल आएगा। इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना है, अपनी स्लीप पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 6 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप क्या करती है, अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपने नोटिस करा होगा डाइजेशन बिगड़ जाता है। पानी पूरा पीना है, मतलब आपका जो यूरिन का कलर हो येलो ना आए, बिल्कुल व्हाइट रहे या लाइट येलो तक चलता है। और क्या, सीजनल सलाद, हल्का सा वॉक या एक्सरसाइज करें और हल्का गर्म पानी या कोई भी गर्म लिक्विड जरूर रखें अपनी डाइट के अंदर। ग्रीन टी हो गया, पानी हो गया, उसमें हल्का सा जिंजर डालें एंड प्रीबायोटिक्स भी डाल सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। दही हो गया, छाछ हो गया, विच इज गुड फॉर योर डाइजेशन। समर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टैनिंग की। टैनिंग का सोल्यूशन से पहले फंडा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जा रहे हैं, बहुत धूप हो रही है, सन से यूवी रेडिएशन आता है, ये सबको पता है। आपने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी है, जो बाकी आपकी स्किन एक्सपोज है, जो कवर्ड है दैट्स ओके, जो एक्सपोज है उस पर यूवी रेडिएशन लगता है। आपकी स्किन की लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। जब यूवी रेडिएशन एपिडर्मिस पे लगा, उसके नीचे सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट, जिसका काम होता है प्रोड्यूस करना मेलेनिन। मेलेनिन का कलर क्या होता है, ब्लैक या डार्क ब्राउन। जब यूवी रेडिएशन लगी स्किन के ऊपर, जो स्किन एक्सपोज्ड है, तो उसने मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करा, जिसका कलर क्या था, ब्राउन या ब्लैक, इसीलिए वो स्किन हल्की सी डार्क ब्राउन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टैनिंग प्रोसेस। धूप लेना तो लेकिन बेनिफिशियल है कि धूप आप लेना बंद कर दे क्या, ले BL रूल के हिसाब से, मतलब बेनिफिट भी दे आपको विटामिन डी एंड लीस्ट डैमेज, मतलब सुबह 6 से 8 बजे, शाम को 4:30 से 6 बजे जब डैमेज कम होता है। और क्या ध्यान रखना है, आपको एक लेयर बना के रखनी है यूवी रेडिएशन के डैमेज और आपकी स्किन के बीच में सनस्क्रीन की, जो डेली लगेगा चाहे सर्दी गर्मी हो बारिश हो, क्योंकि धूप नहीं डैमेज करती, यूवी रेडिएशन जो क्लाउड से भी पेनेट्रेट करके आपको डैमेज कर सकती है। तो डेली स्किन केयर में डालना सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, और जब भी पसीना आए तो वो शील्ड हट जाती है, रीअप्लाई करना जरूरी है। तभी सनस्क्रीन लगाने के बाद जब पसीना आता है तब भी आपको टैनिंग हो जाती है, आप कंप्लेन करते हो, तो रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड लगता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड लगता है। लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30-50 SPF के बीच में ही लेना है आपको। सनस्क्रीन के अलावा भी प्रोटेक्शन लेयर है आपके पास, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गए फुल स्लीव्स के, स्टैंडिंग कॉलर्स हो गए, आपकी कैप्स या हैट्स हो गई, यूवी अनेबल्ड आपके सनग्लासेस हो गए। और क्या, जो मेरे लिए सस्ती टिकाऊ 2-स्टेप रेमेडी हमेशा काम करती है टैनिंग के लिए, वो क्या है, सबसे पहला है एक्सफोलिएशन प्रोसेस। उसके अंदर आपकी डेड स्किन सेल आपकी टैन स्किन से हटाते हैं, उसके लिए कॉफी, ओट्स और टमाटो प्यूरी अच्छे से स्क्रब कर गुनगुने पानी से धो दे। सेकंड स्टेप क्या है, बेसन, दही और हल्का सा हल्दी ले, उसको 20 से 25 मिनट जहां पे भी टैनिंग हो रखी है आपके नेक पे, फेस पे, आपके एल्बो पे, उसको लगाएं, सूखने दे और ठंडे पानी से इसको धो दे। अगर आपकी फेस की स्किन 16 सेल थिक है तो आपकी लिप की स्किन 3-5 सेल थिक है, मतलब इतना डिफरेंस है दोनों की थिकनेस में। इतनी पतली होती है आपकी लिप्स की स्किन और उतनी ही जल्दी वो टैन भी होती है। समर में कभी कभी देखा होगा उसका कलर डल हो जाता है। अगर आपके लिप्स का कलर डल हो जाता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहला वैसलीन बिल्कुल नहीं लगाना, चाय, स्मोकिंग और साथ साथ क्या, आपका कॉफी थोड़ी कम कर देनी है, क्योंकि वो लिप्स को सुखाता है और उसका कलर थोड़ा डाउन करता है। आपको करना क्या है, कोई भी जैसे स्किन के लिए आपके पास सनस्क्रीन होती है, लिप बाम पे भी SPF आता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो आप ले, ज्यादा महंगा नहीं आएगा। और साथ साथ क्या करना है, जैसे आपके फेस पे ऑयल डर्ट इकट्ठा हो जाता है, लिप्स पे भी हो जाता है, उस लेयर को हटाने के लिए एक्सफोलिएट करें हल्का सा कॉफी एंड एलोवेरा से एंड उसको ठंडे पानी से धो दे। बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन शुरू कर देते हैं, पसीना ज्यादा आता है तो स्कैल्प डर्टी जल्दी होती है, तो उसको क्लीनिंग भी ज्यादा अच्छी होती है। और गर्मियों में लोग क्या है, अपनी रूल
बांधा हुआ है कि हफ्ते में एक से दो बार शैम्पू करना है, उससे ज्यादा शैम्पू नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी स्कैल्प को टेस्ट करें, सबकी स्कैल्प अलग होती है और वेदर में वो चीजें वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है या आपने कॉटन पैड लगाया या टिश्यू पेपर लगाया, वो बहुत ज्यादा ऑयली है या डर्टी है, तो आप फ्रीक्वेंटली वॉश 3 से 4 बार भी कर सकते हैं बट एक माइल्ड शैम्पू से। बहुत ज्यादा ईचिंग रहती है तो योगर्ट पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, उससे 2 मिनट मसाज करे हफ्ते में 1 से 2 बारी और फिर शैम्पू करें। सबसे बड़ी हेयर मिस्टेक जो लोग समझ में करते हैं, क्या आपका फेस ऑयली हो रखा होता है, इतना स्वेट आता है, तो लोग ऑयल ही नहीं लगाते ये सोच के कि और ऑयल हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बट वो नरिशमेंट जीरो हो जाती है समझ में, क्योंकि इतनी यूवी रेज है जो डैमेज कर रही है, बिल्कुल नरिशमेंट नहीं मिलती, प्रोडक्ट है कोई पॉल्यूशन है, इस चक्कर में क्या हो रहा है बालों को बिल्कुल केयर नहीं मिलती समर्स के अंदर और हम क्या करते हैं सिर्फ शैम्पू करते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ऑयलिंग करनी है, नरिशमेंट देना है, लेकिन पूरे दिन नहीं लगा के रखना कि आपके मुंह पे टपक रहा है तेल, पोर्स में जा रहा है, एक्ने हो रहा है, सिर्फ 30 मिनट्स लगा के रखना है और उसको वॉश करना है, क्योंकि एज पर द स्टडी से ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है लड़कों के बालों में ऑयल अब्सॉर्ब होने में। एंड ऑल्सो जब भी आप ऑयल लगाते हैं बालों का वेट बढ़ जाता है, ब्रूटली या जंगली हुई तरह मसाज करने से ब्रेकेज बढ़ जाती है, तो हमेशा जेंटली मसाज करें। समर्स में अच्छे बालों के लिए रूल नंबर 3 क्या है, थिक ऑयल आपको यूज नहीं करना है, कैस्टर हो गया, ऑलिव हो गया या आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ये स्कैल्प से चिपक जाते हैं, ऑलरेडी स्वेटी स्कैल्प होती है, इरिटेशन कर सकती है या आपके फोरहेड पे आते हैं, इससे एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या थिन ऑयल यूज करें जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अनियन ऑयल, जिसमें सल्फर भी अच्छा होता है, बालों को स्ट्रेंथ भी देता है और समर्स में बेस्ट है आपका। व्हाट आई एम यूजिंग पर्सनली इज मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। समर के लिए बेस्ट हेयर टिप है कि पहले साइड्स फेड रखें, क्योंकि ज्यादा बाल होंगे तो स्वेट ड्रॉप होता है आपके चीक्स पे, एंड ऊपर की लेंथ आएगी हमेशा शॉर्ट या मीडियम, ज्यादा लंबे रहेंगे तो डर्टी बाल आपके ओपन पोर्स में लगेंगे, एक्ने ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते हैं। तो 5 हेयर स्टाइल जो टॉप है फॉर योर समर्स वो है ये। और ध्यान क्या रखना है, क्योंकि जब एकदम यूवी रेडिएशन आपके बालों पे डायरेक्ट लगती है, लंबे देर तक अगर धूप लगेगी तो उसका डल हो जाता है कलर, आपने नोटिस करा होगा, और क्या फिजी हल्के झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं। टू अवॉइड दैट, कैप, बंडाना या कोई भी स्कार्फ से उसको कवर करके रखे टू प्रोटेक्ट योर हेयर। समर्स में ज्यादा स्वेट या आर्मपिट्स में से स्मेल आती है तो ट्रिम योर जंगल एवरी 20 to 25 डेज। और क्या आपको नॉर्मल डीओ यूज नहीं करना, एंटी पर्स्पिरेंट डीओ या रोल ऑन ही यूज करें, बनियान यूज करें, नहीं तो आप ग्रे कलर की बेसिक टी शर्ट पहन सकते हैं अंदर, जिससे आपका स्वेट बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नहीं तो आप स्वेट पैड ले सकते हैं, 100 रुपए के आएगा सेट इसका अमेज़न से, वो भी नहीं लेना, तो आपका कॉटन पैड वाली हैक यूज करो, बिल्कुल बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एंड डाइट में ये फूड्स अवॉइड करो, उसमें से स्मेल आती है, हफ्ते में एक बार अगर बहुत ज्यादा स्मेली है तो स्क्रब कर सकते हैं आप बेसन योगर्ट एंड हल्दी से 5 मिनट के लिए एंड वॉश इट ऑफ। गर्मियों में स्मेली फीट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, आपका हाइजीन रिफ्लेक्ट करता है एंड दैट्स अ टर्न ऑफ। क्या करना है, मोटी सॉक्स अवॉइड करनी है, उसमें स्मेल ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि पसीना ज्यादा आएगा। थिन सॉक्स ज्यादा यूज करनी है और रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। जूते अगर पुराने हैं या यूज करें तुरंत उसको धूप में डाले, बैक्टीरियल डेवलपमेंट को किल करता है। पैर में से स्मेल की ज्यादा प्रॉब्लम है, हफ्ते में 1 से 2 बार क्या करें, आप गुनगुने पानी में शैम्पू डाले, एस्पम सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक डाले, वो बैक्टीरिया को किल करेगा आपके पैरों में, 5 मिनट रखे एंड योर फीट विल बी फ्रेश। सो गाइस, ये सारी हैक्स सो दैट यू कैन लुक गुड इन समर्स, दैट टू अफोर्डेबल तरीके से। जो भी प्रोडक्ट बताया था लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मामा अर्थ की वेबसाइट पर भी खरीद सकते हैं या उनकी लेटेस्ट ऐप पे आपको एडिशनल ऑफ भी मिलेगा वहां पे। यू कैन यूज माई कोड फॉर्मल 2022 फॉर 20% डिस्काउंट। और हाँ, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट इनके साथ काम करने का है कि जो भी हम ऑर्डर करते हैं दे लिंक दैट ऑर्डर विद अ ट्री दे प्लांट, एंड 2025 तक इनका एम है 1 मिलियन ट्री। इससे बढ़िया क्या बात है। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर।